फ्रेंड्स, आज है हमारे पास पल्सर 150। इसमें हमने करना है इंजन रिपेयर। इंजन रिपेयर में क्या क्या करना है, मैं इसको खोलते रहता हूँ और आपको बताते रहता हूँ, और फिर दोनों एक साथ कम्बाइंड वीडियो बनाऊंगा खोलने और फिट करने का एक साथ। अभी मैंने सबसे पहले इसके दो स्पार्क प्लग खोले, पूरी तरीके से बंद हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये गाड़ी इंजन ऑयल खा रही है। फिर मैंने इसका इंजन ऑयल निकाला, आई थी फिलहाल सर्विस के लिए, तो इसमें मुश्किल से 100 ml ऑयल निकला। तो हमें करना पड़ेगा इसका इंजन का काम। तो इंजन में एक होता है हेड ब्लॉक, हाफ इंजन। हाफ इंजन करना है या फुल इंजन करना है ये देखना पड़ेगा अब हमें इसे खोल के। तो हमने इसका क्लच खोलना है और हेड ब्लॉक खोलना है। तो हम खोल लेते हैं इसको। सबसे पहले हमें चाहिए एक 14 नंबर का पाना। इस पूरी वीडियो में डिटेल में पता चलेगा आपको कौन सी जगह क्या लगेगा, कितने नंबर का पाना और कैसे खोलना है। तो हमने सबसे पहले खोलने हैं इसके स्टड 14 नंबर वाले। ये अच्छे से टाइट खोल, जैसे खुल रहे हैं टाइट उतने अच्छे से टाइट भी करने रहते हैं ये, वरना एक आवाज़ आ जाती है हेड गैस्केट से फट 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 फट, जो आपकी गाड़ी में हो सकता है किसी न किसी भाई बंधु की गाड़ी में आ रही होगी। तो हमने ये जितनी टाइट खोलने हैं उतने टाइट करने भी हैं। 14 नंबर के होते हैं ये 4 स्टड। इनको हमने आमने सामने के ही खोलने हैं और आमने सामने का ही टाइट करना है। तो ये 14 नंबर के सारे बोल्ट खोल लिए हैं मैंने। स्टड बाहर निकाल लेते हैं। ये खोलने के बाद ये जो 8 नंबर के बोल्ट दिख रहे हैं इसमें 6 बोल्ट होते हैं, फिर ये 6 बोल्ट खोलने हैं। तो मैं खोल लेता हूँ इन्हें। नंबर के 6 के 6 बोल्ट खोल लिए हमने। ये 2 थोड़ा लंबे होते हैं और 4 एक साइज के होते हैं। अब हमने निकालना है इसका टापा। तो हमें चाहिए लाल वाला पेचकस, हमारा बड़ा वाला। तो ये है हमारा टिपिट कवर। खोलने के साथ साथ हमने चेक भी करना है कि आखिर हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या क्या है। तो हमारे टिपिट दोनों ठीक है। उसके बाद हमने खोलना है इसका केम। उसके लिए हमें चाहिए 10 का रिंग पाना और एक 8 का जो थोड़ा स्पेशल टाइप का बना रखा है, जो थोड़ा कुछ ऐसा बना रखा है ताकि जो हमारे साइड के बोल्ट होते हैं वो स्लिप ना हो। तो 2 हमने एडजस्टर के बोल्ट खोलने हैं, एडजस्टर टाइमिंग चेन एडजस्टर। उसके बाद हम निकालेंगे इसकी टाइमिंग चेन केम। तो ये खुल गया हमारा एडजस्टर। ये हमने बदलना ही पड़ेगा क्योंकि अब क्या हो रहा है, हम इंजन फिट कर रहे हैं पूरा खोल के, तो ये छोटी मोटी चीजें इसको बार बार नहीं चेंज करेंगे, तो एडजस्टर हमने बदलना पड़ेगा। अब हमने इसकी चेक करनी है केम। कई बार मैंने देखा कि टाइमिंग चेन उतारने के लिए हम अधिकतर, जो मेरे दोस्त हैं मैकेनिक भाई, वो ये खोल लेते हैं। इसको खोलने की कोई जैसी जरूरत नहीं है। चेन पकड़ो एक बार आप, चली गई, छोड़ो। तो हमारी केम भी ठीक है, हमने केम भी नहीं बदलनी है। अब हम इसका हेड खोल लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो वाल है पेट्रोल वाल, ये पूरी तरीके से कट गया है, अंदर चली गया है। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारी गाड़ी का तेल है पेट्रोल, वो ज़्यादा खाती है, एवरेज कम हो जाता है, और जो पुलिंग पावर होती है पिकअप, वो कम हो जाता है। तो हमने ये दोनों वाल भी बदल लें। बाकी मैं इसको पूरा खोल के अच्छे से धो के हर एक पॉइंट टू पॉइंट चीज बताऊंगा कहां पर को क्या खराब है। अब हमें ब्लॉक खोलने के लिए एक जो ऑयल पंप का बोल्ट होता है यहां पर कोई 10 नंबर का, ये खोलना है।
ताकि हमारा ब्लॉक आसानी से निकल जाए। इसमें जो दो वार्सर होती हैं तांबे की लगानी है, वो उसमें दूसरी नहीं लगानी है, कुछ ऐसा बोल्ट होता है, इसको बेंजो बोल्ट भी बोला जाता है मैकेनिक भाषा में, और सब जगह अलग अलग है तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये है हमारे टाइमिंग चैन पैड, हमने ये भी बदलने हैं जब इतना खोलने हैं, क्योंकि रोज ये चीजें अंदर की होती हैं तो इनको रोज रोज नहीं खोल सकते हो। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसको एक बार मैं दोबारा बिठा देता हूँ। आखिर पिस्टन आप पता कैसे करें कि खराब है, तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे पता चलेगा। इसको बिठा लेते हैं हम, और कैमरे को थोड़ा नजदीक ले आओ। तो पिस्टन हम कुछ ऐसे चेक कर सकते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा इसमें हिलते हुए। तो ये क्या होता है, ये हमारा गैप आ गया है पिस्टन में, इससे हमारा इंजन ऑयल जो है ये गाड़ी हमारी खाने लग जाएगी। अब मैं इसका ब्लॉक निकाल लेता हूँ, क्योंकि हमने इसकी क्रैंक भी चेक करनी है। तो क्रैंक चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसका पिस्टन निकालना पड़ेगा, इसके लिए कुछ इस टाइप का पेचकस चाहिए हमें, आगे से नोक टाइप की बनी हो। लॉक निकालते समय आप लोगों ने जो है यहाँ कपड़ा डाल देना है, ताकि हमारा जो लॉक है वो इंजन के अंदर ना गिरे, बाय चांस हमारे हाथ से अगर स्लिप हो जाए तो। और अगर लॉक अंदर गिर गया तो क्लच खोल के निकला तो ठीक, वरना फिर इंजन खोलना पड़ेगा, तो ये क्या होगा कि जबरदस्ती का हमारे लिए काम बढ़ जाएगा, हमारे लिए काम बढ़ जाएगा, कस्टमर के लिए लेबर चार्ज बढ़ जाएगा, फिर जब खुलेगा तो पैकिंग हाफ की जगह फुल किट डालनी पड़ेगी। एक चीज़ अच्छी है इसमें कि हमारा पिस्टन सीज नहीं मारा है तेल कम होने के बाद भी। अब हमने जो क्रैंक चेक करनी है, तो उसको हमने चेक कैसे करना है, एक तो कई मिस्त्री होता है साइड प्ले चेक करते हैं, वो नॉर्मली होती है, साइड प्ले नहीं देखनी है, हमने देखनी है अंदर वाली प्ले, वो हमें ऐसे आवाज़ आएगी। फिलहाल इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि हमने इसमें क्रेन का काम कराना पड़े। तो आप क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसका क्लच खोल लेते हैं, क्लच खोलते हैं फिर बताते हैं। क्लच कवर खोलने के लिए हमें 8 की कुछ ऐसी टी चाहिए, या फिर आपके पास स्पेशल टूल है तो अलग बात है, आप उससे भी खोल सकते हैं। सारे बोल्ट खोलने हैं क्लच के, और कई बार क्या होता है, मैंने देखा कि कुछ मेरे मैकेनिक भाई क्या करते हैं कि चल छोड़ यार पैकिंग ठीक है नहीं बदलते, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जब इतना कर रहे हो तो एक पैकिंग के लिए मत छोड़ो, फिर बाद में क्या होता है लीक हो जाती है, कस्टमर कहता है यार इतना पैसा लगाया साला ये यहाँ से लीक हो रहा है, यहाँ से लीक हो रहा है, इतनी महंगी नहीं है, पैकिंग भी बदल दिया करो साफ करके। इसमें बोल्ट गिरे हैं ऑयल में, और भाई वीडियो देखने के बाद पक्का बताना वीडियो कैसी है और किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, कमेंट करके पक्का बताना, लाइक करना मत भूलना, और फ्रेंड सर्किल में बताना सब्सक्राइब करने के लिए। ये क्लच कवर ये उतना गंदा नहीं है, हालांकि कई गाड़ियों में देखा होगा आपने पूरा अंदर से काला हो जाता है। उसके बाद खोलेंगे हम इसका क्रैंक कपलर, ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये फिल्टर का काम भी करता है, जो भी कचरा होता है वो यहाँ आके जमा हो जाता है इसमें। और मैं इस वीडियो में ही आपको बताऊंगा कि सीजर गेट सेट कैसे करें, कि कई गाड़ियाँ कंपन करती हैं, हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, आप लोगों से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है उस वीडियो का, मैं इस जब इंजन फिट करूँगा तो इसमें भी अच्छे से बताऊँगा आपको। यहाँ पर को जमा हो जाता है कुछ भी, अगर इंजन में कट रहा होगा तो यहाँ पर को जमा हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका बोल्ट खोल लेते हैं,
हमारा चिलम, और हमें चाहिए एक प्लास। हम बेयरिंग निकाल लेंगे। अगर आप लोगों के पास ये मशीन है तो ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना पड़ेगा, पहले आपने ये 10 नंबर के बोल्ट खोलने पड़ेंगे, उसके बाद पुलर लगा के ये खोलना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि नॉर्मली ऐसे ही खुल जाएगा, जैसे कि आपने देखा ये खुल गया है 10 नंबर के गोटी से। अब हम ये खोल लेते हैं, ये खोलना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपको एक बार अच्छे से बताऊं कि क्लच प्लेट भी कैसे चेक करेंगे। इसमें बोल्ट गिरे हैं, निकाल लेना। वीडियो में कोई भी कमी लगे आपको कि हाँ ये चीज हमें समझ में नहीं आई ये, तो आप मुझे कमेंट में बताना, जितना हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा, बताऊंगा, नहीं तो मैं उसी के रिलेटेड अगली वीडियो अच्छे से बना दूंगा। स्प्रिंग निकाल लेने हैं ये सारे, और ये निकल गया हमारा क्लच सिस्टम। अब इसमें हमें चेक करना है क्लच प्लेट। सबसे पहले आ जाता है ये सेंटर, तो ये हमारा ओके है। जब ये ओके है तो क्लच प्लेट भी ठीक है, प्रेशर प्लेट भी ठीक है, और हमारा हब भी ठीक है। फिलहाल आप अगर क्लच का काम करते हो तो सीजर गियर में इसका जो पुलर होता है वो लगा के खोलें। अभी मैं आराम से निकाल लेता हूँ ऐसी, क्योंकि पूरा खोलना ही है। उसके बाद हमने तीन बोल्ट खोलने हैं सीजर गियर के, 1 2 3। इसके लिए भी हमें 8 की टी चाहिए। हमारा सीजर गियर खराब है या सही है ये कैसे पता चलेगा? जैसे हमारी गाड़ी अब हम खोल रहे हैं तो उसके बाद हमें पता चलना चाहिए कि क्या क्या खराब है क्या क्या नहीं। इसमें एक ये वार्सर होती है, खोलते और फिट करते समय ध्यान देना ये गायब ना हो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बहुत। अब इसको चेक करने के लिए जो होता है ये वाली गरारी पकड़ के आपने हिलाना है ऐसे, तो ये हमारा सीजर गियर ओके है, क्योंकि ये हिल नहीं रही उतनी ज़्यादा, नहीं तो कई लोगों में ऐसे ऐसे हिलती हैं। अभी नहीं हिल रही, बहुत कम, नॉर्मल जो होती है। उसके बाद निकालना है हमने ये प्राइमरी गियर, इसको कई नाम से जाना जाता है। ऐसा भी होता है कि कई लोग मुझे कमेंट करेंगे अरे इसको प्राइमरी गियर नहीं बोलते हैं, चूतिया ऐसा भी कहते हैं, तो मैं प्राइमरी गियर करता हूँ, बहुत लोग कहते हैं, और कई जगह कुछ अलग नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी गियर के साथ कार्टर निकाल के अच्छे से रख लेंगे। फिर आ गई हमारी टाइमिंग चैन, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पार्ट नंबर के हिसाब से प्लस क्या MRP है, कितने का पड़ता है। ये है टाइमिंग चैन, ये हमने बदलनी है। और ये हो गई हमारी टाइमिंग गियर, इसको क्रेंक का गियर भी बोलते हैं, टाइमिंग चैन गियर भी बोलते हैं, समझ सकते हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सब अलग अलग नाम से। तो ये हमारा इंजन खुल गया है, बाकी हमारी सब चीज ओके है। तो हमने इसमें बदलना क्या क्या है जो मैं आपको, अब हो गई है रात, अब मैं इसको कल धोऊंगा आराम से, और जो जो चीज़ है उसको अलग रखूंगा, और जो सही है उसको अलग रखूंगा, फिट करते समय आपको सब कुछ बताऊंगा एक एक पार्ट के बारे में, कौन सी चीज़ से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, कितना काम करेगा कितना नहीं करेगा, बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए, क्या जरूरी है क्या नहीं है। तो बाकी का काम मैं कल करूंगा, तो आपको कल ही बताऊंगा। तो हमने इसमें क्या क्या बदलना है, एक तो हमने बदलनी है ब्लॉक फिट, इसका पार्ट नंबर ये है, प्राइस ये है। दूसरा बदलनी है हमने टाइमिंग चैन, इसका भी पार्ट नंबर और MRP आप देख सकते हैं। दूसरा है हमारा ये टेंशनर, इसमें भी आप देख रहे हो सब में वही है। ये हैं वाल, ये हो गई वाल सीलें, और ये हो गए टाइमिंग चैन पैड, और ये हो गई पैकिंग, और एक ये रबड़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इससे क्या होता है, नहीं तो आपने देखा होगा हेड के पास से हमारी गाड़ी लीक करती है, फिर वो मज़ा नहीं आता। और बाकी का ये सामान जो मैंने सब धो लिया है, और ये है इसका पुराना सामान जो हमने निकाल दिया है। तो अब मैं काम शुरू करता हूँ, सबसे पहले मैं इसका हेड फिट करता हूँ, क्योंकि ब्लॉक बिठाने के बाद हेड में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, तो मैं पहले इसका हेड फिट कर लेता हूँ, फिर ब्लॉक बिठाते हुए मतलब फिर स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा काम कैसा चल रहा है। तो ये हमारा हेड है, ये वाल ग्रैंड होके आ गए हैं, और ये रही हमारी वाल सीलें, तो मैं इसको फिट कर दूंगा। फिट सबसे पहले हमने इसमें वाल सीलें लगानी है, ये थोड़ा ऑयल लगा के फिर वाल लगाने हैं,
नॉर्मल प्रोसेस है जो पुलट से फिट होगी, तो सबको पता है कैसे फिट होगी। मैं इसको फिट कर लेता हूँ पहले, फिर बताता हूँ। तो इसको ऑयल लगा के ऐसे डाल देना है। इसके बाद ये है इसकी स्प्रिंग, ये फिट कर लेते हैं। इसकी स्प्रिंग के बाद कैप ऊपर और काटर इसको लगा लेंगे। इसको लगाने का पहले हम इसको यहीं फिट कर लेंगे, उसके बाद हमने ये जो स्प्रिंग लगा रखी है इसमें कर लेंगे। फिर कुछ ऐसा हमारा हेड का पुलर होगा, इसको हम फिट कर लेते हैं। हेड कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम पिस्टन के रिंग बिठाएंगे, पिस्टन की ब्लॉक किट। ये है नई ब्लॉक किट और इसके अंदर ही होता है लॉक पिस्टन वाला। ये पिस्टन निकाल लेते हैं। अब इसके आधे रिंग मतलब डाले हुए कंपनी से होते हैं, लेकिन हमने फिट करने हैं। रिंग कैसे बिठा, रिंग मैंने बिठा दिए हैं। सबका तरीका अलग अलग होता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ऐसा ये ऐसा ये यहाँ पर को। सब अपने अपने तरीके से बिठाते हैं। फिलहाल मैं जो बिठाता हूँ मैं बता देता हूँ, हालांकि जिसने कहना है वो बोले गए कि अब ये चूती है ऐसा नहीं बिठाते हैं, तो बोल लेना कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर को ये मेरा ऑयल रिंग हो गए। ठीक इसके अपोजिट साइड जो ऑयल रिंग का जो रिंग वाला होता है वो छल्ले वाला, वो इस साइड डालता हूँ मैं। ये आ गया हमारा सेकंड नंबर रिंग, ये आ गया हमारा फर्स्ट नंबर रिंग, ये हो गया हमारा साइलेंसर साइड। तो मैं इसको अब वहाँ बिठाता हूँ पिस्टन में। ये बैठ गया है, इसमें लॉक लगा लिया है। अब इसमें पैकिंग लगाएंगे, डावल लगाएंगे और फिर हम ब्लॉक फिट करेंगे। चल गई है, पिस्टन लग गया है और अब हम ब्लॉक किट बिठाते हैं। ब्लॉक किट बैठ गई है। अब हमने क्या करना है, हेड बिठाने के से पहले इसमें दो डावल हैं वो लगानी है, और जो हमारा एडजस्टर है वो सॉरी टाइमिंग चैन पैड वो डालना है। पैकिंग लगाने से पहले टाइमिंग चैन पैड डालना है और डावल लगा लेनी है। उसके बाद आती है हमारी हेड की गैस्केट, तो हमने हेड गैस्केट डाल देनी है। हेड गैस्केट डल गई, तो मैंने जैसे आपसे कहा था हेड मैं पहले इसीलिए फिट कर लेता हूँ कि फिर ऊपर के काम में हमें टाइम ना लगे। हेड मेरा ओके है, सीधे फिट कर देते हैं। तो ये हमारा हेड आ गया है। अब हमने इसकी जो गरारी है टाइमिंग चैन गियर, ये है हमारा टाइमिंग चैन गियर, वहाँ पर को अब थोड़ा नीचे कर लेते हैं एक बार। वहाँ पर को एक जो काटर टाइप का होता है पतला रूलर वो लगा है, उसको बिठा देंगे, ये अपने आप अपनी जगह बैठ जाएगा आप इसे घुमाओगे तो नॉर्मली। उसके बाद अभी मैं इसमें बताऊंगा कि टाइमिंग चैन जो डालते समय भी हम कई बार क्या करते हैं, सीजर गियर निकाल लेते हैं। उसका अलग अलग नाम से जानते हैं, वो सीजर गियर, बैलेंसर गियर, कई नाम से जाना जाता है, फिलहाल मैं उसे सीजर गियर कहता हूँ। तो अब मैं पहले इसमें टाइमिंग चैन डालता हूँ। तो ये है टाइमिंग चैन और ये रही इसकी केम। हमने टाइमिंग चैन डालनी है। उसके
उसके बाद हमने, मैं अधिकतर ये नट बोल्ट खोल लेते हैं, मैं तो नहीं खोलता हूँ, सबका अपना अपना तरीका है। आप खोल के भी डाल सकते हैं और बिना खोले भी डाल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। हमारा टाइमिंग ओके हो गया है, मैं थोड़ा सा नज़दीक जाके टाइमिंग दिखा देता हूँ। ये दो खांचे दिख रहे हैं आपको, उस साइड इस साइड, ओके। यहाँ से हमारी टाइमिंग चेंज चढ़ चुकी है। मैंने अभी पैड नहीं डाला है, पैड डालने का तरीका भी मैं बताऊंगा, क्योंकि कई लोग मैंने देखा है ऐसे नहीं डालते हैं, पहले डाल लेते हैं फिर टाइमिंग चेंज डालते हैं। तो मैं नॉर्मली कैसे डलेगा ये भी आपको बता देता हूँ। तो हमारा जो पैड है दूसरा, वो ये रहा, और सिंपल सा तरीका है, इसको पहले ऐसे करना है हमने, ऐसे और ऊपर तक ले जाना है, फिर हमने घुमा देना है और हमारा पैड लग गया है। अब हमने इसमें बोल्ट टाइट करना है, जो एक अलग सा बोल्ट होता है इसका, ऐसा जो ये एलिंकी से टाइट होगा। ये हेड की रबड़, ये ज़रूरी इसलिए हो जाती है डालनी, क्योंकि यहाँ पर से मैंने अक्सर देखा है पल्सर को लीक करते हुए। इतनी महंगी नहीं है, हालांकि ये दरअसल जहाँ से मेरा माल आता है वहाँ से नहीं मिली, तो आप लोग देख रहे होंगे इस पर मार्कर से लिखा है रेट, क्योंकि ये मेरे पास जहाँ से मेरा माल आता है वहाँ से नहीं ना, अपोजिट मतलब दूसरी जगह से मंगाया है, तो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो ये हो गया, अब हमने करना है ये टापा फिट, रॉकर कैप भी कह सकते हो इसे, हेड का टापा भी कह सकते हो, वो अपने अपने नाम से जानते हो आप, सब अपने अपना तरीके से जानते हो। इसको चेक करने के लिए बढ़िया चेक कर लो, कोई बैरिंग रूलर कुछ तो नहीं निकला है, वरना एक इसमें से अलग सी आवाज़ आती है जो पूरे इंजन का मज़ा ख़राब कर देती है। तो रोकर केम अच्छे से चेक करके फिट करें, अब मैं इसको फिट कर लेता हूँ। बैठ गया। ये स्टड जो मैंने कल बताया था, सॉरी कल कह रहा हूँ, मतलब मेरे लिए कल, आपके लिए वीडियो से पहले, कि जैसे हमने इसको खोला है उसी हिसाब से इसको टाइट भी करना है, नहीं तो एक आवाज़ आ जाती है फटफट फटफट फटफट, क्योंकि हमारा गैसकेट लीक करता है। ये हो गया, हमने इसके नट डाल देने हैं। नट इसमें सब में चार, ये 14 नंबर वाले होते हैं चारों टोपी वाले, उसके बाद हम इसको टाइट कर लेंगे। बराबर से टाइट करेंगे चारों बोल्ट, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद भी एक बार इसको चेक कर लेंगे। तो ये हमारे चारों बोल्ट ओके हो गए हैं, टाइट भी हो गए हैं और चेक भी हो गए हैं। फिलहाल एक बार स्टार्ट करने के बाद हम इसको चेक कर लेंगे, बाकी ये दो स्टड जो यहाँ जाएंगे, और चार बोल्ट बराबर के जो अलग ही होते हैं, चार बोल्ट ये, इसको वही अलग बोल्ट लगाने हैं, ये नहीं एक दूसरा लगा दिया एक दूसरा लगा दिया। तो ये चीज़ भी चेक कर लेना लगाते समय। ये हैं इसके चारों बोल्ट बराबर होंगे, बाकी सारे बोल्ट जो 8 नंबर के होते हैं छोटे होते हैं, हाँ इंजन में जो मेन बोल्ट होते हैं चैम्बर के, वो इसके बराबर होते हैं। तो अभी मैं इन बोल्टों को लगा के टाइट कर देता हूँ नॉर्मली, उसके बाद टेप इट सेट कैसे करेंगे मैं वो बताऊंगा। ब्लॉक किट बिठा के जब हमने देखा हमारा पिस्टन टॉप पे था, और वैसे ही उसी प्रोसेस में हमारा काम हो रहा है, तो हमारी गाड़ी टॉप में, टॉप में कह सकते हैं टाइमिंग सही है, या जैसे भी आप टेप इट सेट करते हो या कराते हो, तो हमारी गाड़ी अभी वहीं उसी पोजिशन में जहाँ हमने टेप इट सेट करनी है। तो कई लोग फिलर गेज का भी यूज करते हैं, तो उनका अपना तरीका है, मैं नहीं करता हूँ, वो मेरा तरीका है। मैंने क्या करना है, मैंने सीधे से ये चाबी लगानी है ये, और इसको एक बार ढीला करना है, और जहाँ पर को मेरा जो ये टेपिट की चाबी रुक जाएगी, वो वहीं पर को टेपिट सेट कर देना है। उसमें क्या होगा, मतलब अभी तक जो मैंने गाड़ियाँ फिट की हैं, कितनी की हैं वो तो याद नहीं है फिलहाल, उसमें टेपिट की आवाज़ तो नहीं आई, और ना ही
मैंने एक चीज और बताता हूँ, मैंने ये ज्यादा सुना है कि थोड़े से टेपिट ढीले छोड़ दी वो चलने के बाद टाइट करूंगा, तो पल्सर में ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है, जो कर दिया एक बार में निपटा दो बस हो गया, वो खुद ही सेट कर लेगा बाकी। हाँ ये है कि 15-20 हज़ार चलने के बाद, हाँ हमने पेट्रोल वाल ढीला जरूर करना पड़ेगा हल्का सा, क्योंकि वो टाइट हो जाता है पेट्रोल वाल। फाइनली टेपिट सेट, ऊपर का काम लगभग हो गया हमारा। अब इसमें हमारा बचा क्या है, एक टाइमिंग चैन एडजस्टर लगाना है, कार्बेटर फिट करना है और क्लच का काम करना है। तो अब टेपिट सेट हो गए, अब मैं बताता हूँ आपको सीजर गियर सेट कैसे करते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा वो नीचे करते हैं। पिस्टन हमारा टॉप में है, सब ओके है, हमने ये करारी घुमानी है, छोड़ देनी है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है, इसमें जो निशान दिया होता है ना यहाँ पर, को थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ, दिख नहीं पा रहा है यार, चलिए एक निशान होता है इसमें, वो ध्यान से देखना है कि कहीं वो अपनी जगह से आउट तो नहीं है, क्योंकि कई बार देखा बैलेंसर घूम जाता है, उसको घुमाना है और छोड़ देना है। अब ये आ गया हमारा सीजर गियर, इसको हमने सेट कैसे करना है। पहले हमने इसको पुलर को इसको खांचे में बिठा लेना है एक, फिर इसके यहाँ बराबर आ गया, एक दो दो राउंड हो गए, अंदर बिठा देना है, फिर इसको पूरा अंदर करके, फिर जो हमारी बाहर वाली करा रही है इसको देखना है, ये नॉर्मल हुआ, इसको गिनेंगे नियम, एक और एक दो, और ये बैठ गया। अब इसकी जो हमें वार्सर चाहिए, ये आ गई वार्सर, पतली सी सिम वार्सर होती है, एक बार और घुमा लेंगे और ये ओके हो गया, इसको अब हम बिठा देंगे। ये बैठ गया हमारा। अब क्या करना है, हमने हमने लगाना है प्राइमरी गियर। प्राइमरी गियर हमारा ये हो गई इसकी कार्टर, और ये हो गया हमारा प्राइमरी गियर, इसमें भी एक निशान दिया है, ये जब हम कार्टर लगाएंगे तो अपने आप टॉप में बैठ जाएगा। ठीक हो गया, ये भी बैठ गया है, किक्की करारी भी फ्री है हमारी। इसके बाद लगाना है हमने क्लच सेंटर, वो सॉरी क्लच हाउसिंग, थोड़ा सा हमने किक्की करारी को घुमाना है, सेट हो गया है हमारा हाउसिंग। इसके बाद ये कॉलर वाली वार्सर, उसके बाद जो हमने क्लच फिट कर देना है और ऑयल पंप लगा देना है। क्लच कवर फिट कर लेता हूँ, नॉर्मली है प्रोसीजर ये, जो लगभग वीडियो में देखा होगा आपने, मैं इसको फिट करता हूँ। बाकी सीजर गियर की इंजन में जो जो प्रॉब्लम थी मैंने सब ओके कर दी है, मैं इसको अब पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ पहले, जो कि नॉर्मल है क्लच क्लच फिट करना, ये लगभग काफ़ी वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मैं इसको फिट करता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करके आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। वाइट स्मोक जो प्रॉब्लम थी इसमें, वो तो हमने ब्लॉक किट बदल दिया है, वो तो हमारी सॉल्व हो गई है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई है। अब मैं इसको कंप्लीट करके स्टार्ट करके आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ इंजन में कैसी है। ओके हो गया सब काम हमारा, क्लच कवर में पैकिंग लग गई है, क्लच कम्प्लीट हो गया है, क्लच कवर लगाता हूँ। हाँ दो स्पार्क प्लग और नए डालने, जो मैंने आपको नहीं दिखाए, दो स्पार्क प्लग नए डालता हूँ, क्लच कंप्लीट करता हूँ, ऑयल डालता हूँ, फिर इसको स्टार्ट करता हूँ बिना साइलेंसर के, फिर करता हूँ साइलेंसर लगा के आवाज़ चेक करने के लिए कि आवाज़ कैसी आई इंजन में। तो मैंने गाड़ी ओके कर दी है,
क्लच कवर लगा दिया, ऑयल डाल दिया, कार्बेटर लगा दिया, और कार्बेटर में जो है मैंने बोतल से तेल डाल दिया। तो मैं आप सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाड़ी हमारी हो गई वन सेल्फ स्टार्ट। मैं आ जाता हूँ, एक बार आपको कुछ और दिखाना है इसमें जो ज़रूरी होता है। तो चल देते हैं हम गाड़ी के पास। हमने क्या चेक करना है इसमें, फिट करने से पहले हमने गाड़ी को चेक करना है कि हमारे टेपिट में ऑयल आ रहा है नहीं आ रहा है। तो पहले हम ऑयल हमारा आ रहा है तो हम इसको अब फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद हमने क्या करना है कि मैं आपको दिखाता हूँ हमारी इंजन की साउंड कैसी आई है। ढक्कन लगाते हैं और साइलेंसर लगा लेते हैं। साइलेंसर लगा के फिर देखते हैं कि इंजन की साउंड कैसी। तो साइलेंसर लगा दिया है, अब एक बार स्टार्ट करके आपको आवाज़ सुना देता हूँ। ये जो आवाज़ आई खाएँ वाली है, सेल्फ की आती है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।